गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5 बी। क्वेश्चन नंबर 1 से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद वेरिएबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद वेरिएबल आल्सो आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन द इक्वेशन। वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई करना है। वेरिएबल जानते हैं, चार स्मॉल लेटर में x y z p q r s t, जैसे 12 = x + 5। तो दिस इज इक्वेशन विद वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा आया है, यहां पर s लिख दो, अब वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो। वेरिएबल इक्वल टू x, उससे मैं पास t माइनस 5 ग्रेटर देन 9, नो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन इनइक्वालिटी। क्या है इनइक्वालिटी, ये कंपैरिजन हो रही है कि t माइनस 5 जो है वो 9 से बड़ा है, तो यहाँ पर वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। c पास 7 = 11 × 22 माइनस 3 × 5। तो देखिए यहाँ पर ये 7 × 11 = 22 माइनस 15 × 22 - 15 7 आएगा। इक्वल तो हमारे पास क्लास में चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद वेरिएबल, विद वेरिएबल है इसमें कोई वेरिएबल है, नो नो वेरिएबल, नो वेरिएबल। अगर वेरिएबल होता तो आज जल्दी भाई करते हैं। बी का 7 × 2 = 11 × 2 + 3 = 11 × 2 + 3। तो दिस इज इक्वेशन s है, इसमें क्या है s विद वेरिएबल, वेरिएबल आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरिएबल इक्वल टू कौन सा है, p, ये वाला, ओके, जिसमें x y z p q r s t स्मॉल लेटर लगे हैं वो विद वेरिएबल है, ठीक। अब अगर नहीं है, ऑनली डिजिट है, तो नो वेरिएबल है। तो सी के बाद में डी पार्ट, डी हो गया है, डी पार्ट 15 − 2x = 7 इसमें भी देखिए वेरिएबल है, विद वेरिएबल है, इक्वेशन विद वेरिएबल सिमिलरली यू सॉल्व होमवर्क ईएफ का 7 − x = 5 जी का 15 − 2x = 7 एच का 20 − 10 − 5 + 4 8 × 3 आई पा 20 = 15 / जे पास 40 − 10 = 2 × 2 = 2 / के पास 3³/7 < 5। तो आप इसको देखते ही बता सकते हैं इक्वेशन विद वेरिएबल, इक्वेशन विद नो वेरिएबल। तो इसमें तो देखिए वेरिएबल है x, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें नो वेरिएबल, कहीं है वैल्यू वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल है, क्या वेरिएबल y, इसमें भी वेरिएबल y, और इसमें वेरिएबल जो विद दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज क्या है इनइक्वालिटी, कंपेयरिंग हो रही है। थैंक यू, दैट्स ऑल।